नमस्कार दोस्तों, टेक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पक और आप देख रहे हैं टेक इंडिया विद पुष्पक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सपोज अपने डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों कई लोगों ने कंप्लेन किया, मैं एक्सपोज तो इंस्टॉल कर लिया हूँ लेकिन मेरा कोई मॉड्यूल वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों उसी का सोल्यूशन मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको तीन ऐप्स डाउनलोड करना होगा, आप सबसे पहले एसी लिनक्स मोड इंस्टॉल करके देखिए, जिसका मैं लिंक आपको दे दूँगा। इसको इंस्टॉल करने में दोस्तों आपको रूट ग्रांटेड मांगेगा, आप इसको सिंपली ग्रांट कर दीजिए। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, परमिशिव और एनफोर्सिंग। दोस्तों ऐसा कि आप देख रहे हैं मेरे परमिशिव पर टैब है, तो आप इसको सिंपली परमिशिव कीजिए और उसके बाद आप अपने सिंपली एक्सपोज इंस्टॉलर में जाकर यहाँ से सॉफ्ट रिबूट कीजिए। दोस्तों आपको रिबूट भी नहीं करना है, नहीं आपको डिवाइस को पावर ऑफ करना है, नहीं आपको रिबूट रिकवरी करना है, आपको केवल क्या करना है, सॉफ्ट रिबूट। दोस्तों आप सॉफ्ट रिबूट जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे मॉड्यूल 100% फ्लॉलेसली 100% आपका वर्क करेगा दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों और कईयों ने मुझे ये भी शिकायत किया है कि मुझे एसी लिनक्स मोड मेरे मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो एसी बाउंड्री डिटेक्ट नहीं कर रहा है। दोस्तों उसका भी एक निदान है जिसका मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कर्नल ओडिएटर इंस्टॉल करना होगा ये ऐप से, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध तो है लेकिन आपको गूगल प्ले स्टोर से नहीं करना है, आपको ये पुराना वर्जन करना है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके साथ ही आपको एसी लिनक्स प्लगइन्स भी करना है, जो कि कर्नल ओडिएटर का एक प्लगइन्स है। दोस्तों ये भी ऑफिशियली तो आपको अभी मिलेगा नहीं, लेकिन मैं इसको लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से अच्छे से डाउनलोड करके और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले एसी लिनक्स प्लगइन्स को खोलेंगे, एक बार जरूर खोलना पड़ेगा इसको, खोलेंगे तभी एक्टिवेट होता है। जैसे कि आप यहाँ खोल के एक्टिवेट कर लिए, उसके बाद आप एसी कर्नल रेडिएटर ऑन कीजिए। उसके बाद आप लोग सिंपली जो होम बटन, होम में आपको होम में नहीं जाना है, आपको साइड से स्लाइड करके आपको ये जैसे कि ऑप्शन दिख रहा है, आपको उसमें प्लगइन्स पे जाना है। प्लगइन्स पे जाएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर एक प्लगइन्स दिखेगा जो कि एसी लिनक्स करके होगा। तो सबसे पहले आप इसको अप्लाई ऑन बूट करेंगे, उसके बाद जैसे कि अगर आपका इन्फोर्सिंग है तो उसको परमिशिव करेंगे, परमिशिव है तो रहने ही दीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ परमिशिव करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, सिंपली जैसे मैंने आपको बताया, सिंपली आप एक्सपो इंस्टॉलर पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ से डिवाइस को सॉफ्ट रिबूट करेंगे। दोस्तों सॉफ्ट रिबूट आप याद रखिएगा, आपको रिबूट भी नहीं करना है, पावर ऑफ भी नहीं करना है, फिर से रीस्टार्ट भी नहीं करना है मोबाइल को, आपको केवल करना है सॉफ्ट रिबूट, तभी आपका कोई भी एक्सपोज का मॉड्यूल वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा होगी आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आ सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।